हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडी हब। ओके, सो हमने हमारे प्रीवियस क्लास के जो हमारा इससे पहले वाले जो लेक्चर थे, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने एजेंट्स ऑफ इरोजन हैज अ रिवर, ठीक है, रिवर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन हमने स्टार्ट किया, जहां पर तीन प्रोसेस मैंने बताया आपको कि हर एजेंट ऑफ इरोजन का तीन प्रोसेस होता है। एक इरोजन होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक डिपोजिशन होता है। सो हमने इरोजन वाला पार्ट कंप्लीट किया और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन के। हर एक एजेंट में ये चीजें रिपीट होने वाली है, याद रखो। हर एक एजेंट ऑफ इरोजन यानी कि हर एक फैक्टर ये तीनों चीजें करेगा, इरोजन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एंड डिपॉजिट करेगा। बस उनके इन प्रोसेस का अपना अपना अलग अलग तरीका होगा। ओके, सो जब हम रिवर की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द रिवर, ठीक है, अब होता क्या है यहां पर, ये एक बाय पार्ट पॉइंट बाय पॉइंट करके पढ़ के समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप फ्रॉम अ हिली रीजन एट द फुट हिल्स, द चेंज इन द स्लोप कर्स डिपोजिशन टू कोर्स एंड सेडिमेंट्स। ओके, अब जब मैंने बताया आपको कि हायर एल्टीट्यूड पे जहां स्लोपी रीजन है वहां पर रिवर का वेलोसिटी काफी ज्यादा होगा, रिवर को स्पीड काफी ज्यादा होगा, जब स्पीड होगा, जब वेलोसिटी होगा, तब डिपोजिशन होगा, तब इरोजन होगा। सो इरोडेड पार्टिकल्स, अब जितने भी पार्टिकल्स जो वाटर ने इरोड किया है, जैसे सैंड है, स्टोन्स है, पेबल्स है, ये इरोडेड पार्टिकल्स कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट करेगा, ठीक है। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, देखो वर्ड को ब्रेक करो, व्हाट इज डिपॉजिट, डिपॉजिट इज नथिंग बट डिपोजिशन, यानी कि किसी भी चीज का पोजीशन वापस रिलोकेट करना। ओके, सो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो स्टोन पेबल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, ये सेडिमेंट्स कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होंगे। सो फुट हिल्स पे होता है, जितने भी माउंटेन्स एंड जो एल्टीट्यूड हायर एल्टीट्यूड होते हैं उनके फुट हिल्स, फुट हिल्स यानी कि क्या, जो माउंटेन्स, माउंटेन्स के जो स्लोपी रीजन जहां पर एंड हो रहा है, फुट हिल्स, देखो वर्ड कैसे यूज किया है यहां पर ज्योग्राफी में, फुट हिल्स यानी कि जो हिली रीजन है उनके फुट, एट द फुट, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वाटर का वेलोसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वाटर का वेलोसिटी डिक्रीज होने के वजह से वाटर क्या करेगा, वहां पर लाकर ये पार्टिकल्स को छोड़ देगा। अब देखो यहां पर तीनों चीजें हो गई, ऊपर हायर एल्टीट्यूड पे इरोजन हुआ, ठीक है, वो इरोडेड पार्टिकल्स वाटर ने वेलोसिटी होने के वजह से अपने साथ लेकर ट्रैवल किया, ठीक है, कहां तक, फुट हिल्स तक, क्या किया उसको, ट्रैवल किया, अपने साथ लेकर चला, वो ट्रांसपोर्ट किया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यहां पर दूसरा प्रोसेस हो गया। और जब वाटर का वेलोसिटी कम हो गया, एक सर्टन लिमिट पे, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वाटर का वेलोसिटी कम हो जाएगा, वाटर की वेलोसिटी कम होने की वजह से वाटर में एनर्जी नहीं होगी अब वो, कि वो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। अब जब वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो वो उस पर्टिकुलर जगह पर लाकर छोड़ देगा, यानी कि क्या हो गया, वो इरोडेड पार्टिकल डिपॉजिट हो गया, समझा, समझ रहा है। तो हैज दिस आर डिपॉजिटेड इन अ ट्रायंगुलर शेप, दे फॉर्म एन एलुविल फैन। नाउ व्हाट इज एलुविल फैन, एलुविल फैन इज नथिंग बट इट्स अ फर्टाइल लैंडफॉर्म, ठीक है, इट्स अ फर्टाइल सॉइल। व्हाट इज एलुविल, एलुविल इज नथिंग बट अ फर्टाइल सॉइल, ठीक है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ इन एग्रीकल्चरल, ठीक है। अगर मुझे एग्रीकल्चर करना है, खेती बाड़ी करना है, सो इन एलुविल, एलुविल इज नथिंग बट, अगर मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कीचड़ है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, बहुत सारे मिट्टी वगैरह, स्टोन्स, पेबल्स इसके अंदर होते हैं, और जैसे आप जानते हो कि रॉक से सॉइल बनता है और रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं, तो सॉइल में भी वो मिनरल्स होंगे, तो एलुवियल में ये मिनरल्स होने की वजह से ये मोस्ट फर्टाइल होते हैं, ठीक है। हैज दिस स्टीपनेस ऑफ द स्लोप डिक्रीजेस इन द ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, रिड्यूसेस इट्स स्टार्ट्स फ्लोइंग स्लोली। जैसे मैंने आपको कहा कि एक सर्टन लिमिट में क्या होगा, वाटर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, वाटर की वेलोसिटी कम हो गई, स्पीड कम हो गई, वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे चीजें, ट्रांसपोर्ट की हुई चीजों को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। इट बेंड्स ऑफ्टन इन इट्स वे इन एन एफर्ट टू क्रॉस इवन स्मॉल ऑब्स्टिकल्स लाइक मेंडर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंडर्स, ठीक है, अगर आप वोकैबुलरी में चेक करोगे, मेंडर, ठीक है, मेंडर यानी कि आवारापन, घूमना,
ठीक है, हम बोलते हैं ना कभी कभी पोएट्स अबार अपने पोएट्री में वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, द क्लाउड मेंडर्स, क्लाउड मेंडर्स यानी कि बादल आवारा की तरह घूम रहा है, ठीक है। सो मेंडर्स यानी कि मतलब क्या होता है कि वाटर का एक ये जो इरोजन ट्रांसपोर्टेशन और ये जो डिपोजिशन है, ठीक है, इसके दौरान, ठीक है, ये जो तीन स्टेजेस है इरोजन ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन, इसके दौरान जब वो ट्रांसपोर्टेशन करता है तो रिवर क्या करता है, मेंडर्स बनाता है, ठीक है। मेंडर्स के वजह से ही बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे एक लैंडफॉर्म मैं आपको अभी बता सकता हूं, ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक यानी कि ऑक्स के बो की तरह दिखता है वो लेक, इसलिए उसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। सो मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा, मैं आपको एक वीडियो लिंक कराना चाहूंगा जिसमें आपको रिवर का इरोजन ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन ये पूरी जर्नी आपको दिखेगी। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा और ध्यान से समझने की कोशिश की, ठीक है, सो क्या होगा कि उसके थ्रू आपको पूरा एजेंट ऑफ इरोजन हैज अ वाटर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो वो वीडियो जो है वो मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक पे ही है कि कैसे मेंडर्स रिवर बनाता है, ठीक है। वहां पर आपको वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि मेंडर्स बनते कैसे हैं वो भी बताया है, ऑक्सबो लेक बनते कैसे हैं वो भी बहुत ही काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो आई विल शेयर यू द वीडियो, ठीक है, विथ यू ऑल, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो और आप लोग अपने कंसेप्ट को और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर कर सकते हो। सो आगे अब कंटिन्यू करते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन और क्या है, ठीक है। बाय द टाइम द रिवर रीचेस द सी इट्स रिवर बेड बिकम्स वाइड एंड इट्स स्पीड्स बिकम वेरी स्लो। अब होता क्या है कि जब रिवर ने अपना जर्नी स्टार्ट किया हिली रीजन से, ठीक है, हायर अल्टीट्यूड से, सो जब वो लो लाइंग एरिया तक पहुंचता है यानी कि सी ओशन कोस्टल एरिया, दिस ऑल आर द लो लाइंग एरिया, ठीक है। सो जब वो लो लाइंग एरिया तक पहुंचता है तब तक वो क्या कर लेता है, इरोजन कर लेता है, ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है। अब बारी आती है डिपोजिशन की, और डिपोजिशन क्यों होता है, बिकॉज पानी में क्षमता नहीं होती, पानी में कैपेसिटी नहीं होती, पानी में एबिलिटी नहीं होती कि चीजों को वो वापस स्टोन्स पेबल्स और सैंड को वो वापस ट्रेवल कर सके, तो वो उधर ही जाकर छोड़ देता है और उसी को हम डिपोजिशन बोलते हैं। द सेडिमेंट ऑफ द रिवर गेट डिपॉजिटेड इन इट्स बेड एंड ऑन इट्स बैंक। नाउ बैंक यानी कि बैंक मतलब ये बैंक नहीं SBI बैंक, ऐसे से बैंक ऐसे नहीं, बैंक यानी कि नदी के किनारे, ठीक है, और बेड यानी कि नदी का पाथ, अ पाथ ऑफ द रिवर इज नोन एज बेड ऑफ द रिवर, ठीक है। ये है हमारे, तो यहां पर बेड और बैंक में क्या हो जाते हैं, जितने भी सेडिमेंट यानी कि टुकड़े, ठीक है, स्टोन्स के, पेबल्स के, कीचड़ के, ठीक है, सॉइल के, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट करके आए हैं वो जाकर यहां पर डिपॉजिट कर देते हैं, यानी कि डिपोजिशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द रिवर, ठीक है। द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिपोजिशन आर लेंथ। अब डिपोजिशन जो होगा उसके भी सर्टेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा रिवर का जर्नी है तो कितना ज्यादा डिपोजिशन होगा, वॉल्यूम, कितना ज्यादा सेडिमेंट्स लेकर आया है तो कितना ज्यादा डिपोजिशन होगा, कम सेडिमेंट्स कैरी किया है तो कम डिपोजिशन होगा, ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी किया है तो बहुत ज्यादा डिपोजिशन होगा। सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स, ओके, अमाउंट ऑफ द सेडिमेंट्स, स्लोप एक्सेट्रा। दस द फ्लड लीव्स एंड द फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास फॉर्म थ्रू सेडिमेंट्स। अब ये जो फ्लड लीव्स है, फ्लड प्लेन्स है और ये डेल्टा है, ये तीन लैंडफॉर्म्स है विच आर प्रोड्यूस बाय द डिपोजिशन। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में, अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि इरोजन के वजह से जॉर्ज बनते हैं, वी शेप वैली बनता है, प्लंज पूल बनता है, वैसे डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो है डेल्टा, ठीक है, फ्लड प्लेन्स, फ्लड लीव्स, ठीक है, फ्लड लीव्स, फ्लड प्लेन्स, आपको मैं इमेजेस भी आपके पास तक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ओके। देन डेल्टा के बारे में देख लो, आप मेरे पास इमेज है यहां पर आपके लिए कि डेल्टा, देखो दिस ऑल आर द लो लाइंग एरियाज, ठीक है, वेयर लो लाइंग एरिया आर दोज एरिया वेयर अ फ्रेश वाटर मीट्स द ओशन, ओके, और अ रिवर मीट्स द ओशन, ठीक है, जहां पर एक नदी का मिलन होता है किसके साथ, ओशन के साथ। आप यहां पर डेल्टा देख सकते हो, ठीक है, द ग्रे वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है, जितने भी ग्रे वाले पार्ट है ये डेल्टा है, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है, जिन्हें हम एलिवेल भी बोलते हैं। डेल्टा इज नथिंग बट इट्स अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म, आप देख रहे हो, देखो यहां पर आप ट्रायंगल देख सकते हो, ठीक है, फिर यहां पर आप ट्रायंगल देख सकते हो, ठीक है। सो ये ट्रायंगुलर पार्ट है, यानी कि जब रिवर अपने आप को टू पार्ट्स पे चैनलाइज कर देगा, बाइफर्केट कर देगा, तो रिवर करेगा क्या कि इरोडेड पार्टिकल्स सेंटर ऑफ द सेंटर जो है,
ठीक है, पर्टिकुलर रीजन का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द रीजन में क्या करेगा, वो डिपॉजिट कर देगा, और वो डिपॉजिटेड ट्रायंगुलर शेप में होगा, ठीक है, इसलिए उसे हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ वाटर इन अ लो लाइंग एरिया, और डेल्टा हमेशा आपको कहां मिलेंगे, लो लाइंग एरिया में फाइंड कर मिलेगा। ओके, सो और ये जितने भी डेल्टाज हैं, छोटे छोटे डेल्टा बन के एक बहुत बड़ा सुंदरबंस बनता है, ठीक है। सो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवर। सो हमने हमारे एक एजेंट ऑफ इरोजन हमने कंप्लीट किया, जहां हमने इरोजन किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा और हमने डिपोजिशन देखा। अब ऐसे ही हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम अपने अलग अलग एजेंट्स ऑफ इरोजन के इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो तब तक के लिए नोट्स बनाइए, स्टडी कीजिए, बुक खोलिए, ठीक है। प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।